बिग बॉस सीजन 14 के कल के एपिसोड के बाद से ही पवित्रा पुनिया और एजाज खान की नजदीकियां काफी चर्चाओं में आ गई हैं। पवित्रा पुनिया और एजाज खान के इन मोमेंट्स को कोई रोमांस का नाम दे रहा है तो कोई इन दोनों की जोड़ी में लव एंगल निकाल रहा है। बता दें कल नॉमिनेशन टास्क के दौरान पवित्रा ने राहुल वैद और एजाज खान का मटका फोड़ दिया था, जिसके लिए अगले दिन पवित्रा एजाज खान से एक अलग अंदाज में माफी मांगती नजर आई है। दरअसल मॉर्निंग सॉन्ग के बाद पवित्रा एजाज खान के पास जाती हैं और उनके कंधे में हाथ डालकर उनके पीछे पीछे घूमती नजर आती हैं। वो एजाज खान को मनाने की लाख कोशिशें करती हैं पर एजाज खान नहीं मानते, जिसके बाद जब घर के बाकी सदस्य बेडरूम एरिया में सॉन्ग गाते हुए मस्ती करते नजर आते हैं तो पवित्रा और एजाज बाहर एक सोफे पर बैठकर प्यार भरी बातें करते नजर आते हैं। बता दें इस दौरान पवित्रा अनजान बनकर खुद को एजाज खान को इंट्रोड्यूस कराती नजर आती हैं और एजाज से उनकी एज पूछती हैं और एजाज से उनकी शादी के बारे में भी पवित्रा पुनिया पूछती नजर आती हैं, जिसके बाद पवित्रा एजाज से पूछती हैं कि वो इतने गर्म यानी कि गुस्से में क्यों रहते हैं। इस पर एजाज खुद को पैदाइशी हॉट बताते नजर आते हैं, जिसके बाद पवित्रा एजाज से ये वादा करती हैं कि वो अब उनकी पूछ बनकर उनके पीछे पीछे चलेंगी। पवित्रा ने वादा किया कि वो एजाज के लिए खाना भी बनाएंगी, उनके कपड़े भी धोएंगी और एजाज का पूरा ख्याल रखेंगी। बता दें कल के एपिसोड में पवित्रा पुनिया ने एजाज खान को ना सिर्फ आई लव यू कहा बल्कि एजाज खान का मटका फोड़ने के लिए एजाज खान से सजा मांगी और कहा कि तुम्हें अगर गाली या पनिशमेंट देनी है तो तुम दे सकते हो। क्या इसलिए पवित्रा पुनिया और एजाज खान की नजदीकियों की तारीफें हो रही हैं? क्योंकि पवित्रा पुनिया अब एजाज खान से गालियां सुनने तक को तैयार हैं। क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें।